अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेटअप पर एक्वेरियम आ चुका है। इसकी हालत काफ़ी ख़राब है, इसे थोड़ा सा मुरम्मत करवाना पड़ेगा। मुझे फ्री में मिला है, मैं उठा के ले आऊँ। 1 2 3 गो। ये अल्हम्दुलिल्लाह अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो चुका है। नीचे वाला शीशा है ये टूटा हुआ है, इसे चेंज करवाना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। शुरू करते हैं आज का मज़ेदार व्लॉग। हमारा बैटियम यार आज हमें छोड़ के चला गया क्योंकि उसे आज बिल्ली उठा के ले गई। बाकी आप पछतावा या उसके बगैर तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमारा बैटियम वापस नहीं आ सकता। चौथा पाँचवा दिन था वो उसके पीछे पड़ी हुई थी, वो आज कामयाब हो गई और हमारा बैटियम ले गई। बड़ा दुख हो रहा है, पहले एक बैटियम मार गया था और एक ये बिल्ली ले के चली। भाई देखते हैं कबूतरों का बच्चा कैसा है, ये सारे इधर बैठ जाते हैं यार इसके ऊपर। अब ये जब बच्चा बड़ा हो जाएगा ये देखें माशाल्लाह, और इन्होंने नेस्टिंग अपनी मुकम्मल कर ली। अब ये अंडा देगी और ये वाला पेयर ऊपर बैठा हुआ है, इन्होंने भी माशाल्लाह नेस्टिंग कर ली है। पानी नहीं रखा था तो अभी मैंने इनको पानी रखा है, सुबह ठंड होती है इसलिए नहीं रखते। अब ये सारे आएंगे पानी पीने के लिए। देसी फैमिली दिन को इधर ही बैठती है, बक्का इधर बैठी रहती है। न्यू वाला मुर्गा भी इनके पास आया लेकिन ये डरती हैं यार इनसे। अब देखना इधर बैठी हैं, वो आया है सब भाग जाएंगी, लेकिन वो उसकी और इसकी सुलह हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी अब डरता है। वो छोटा है इसलिए इससे भाग गया था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह एक्वेरियम आ चुका है और उसे अब मैंने साफ भी कर दिया है। बस थोड़ा सा मुरम्मत का काम है, वो बाज़ार से करवा के लाते हैं, फिर उसमें कुछ जो चीज़ें छोटे से पौधे वगैरह बजरी सी डालेंगे, डाल के फिर फिश ढूंढूंगा। इधर मुझे काफ़ी अरसे से दिखाई तो नहीं दी, लेनी थोड़ी दूर से पड़ेंगी, लेकिन कोई नहीं यार मंगवा लेंगे। ये वाला शीशा इधर पड़ा हुआ था, ये काफ़ी टूटे हुए थे, ये इनके नीचे पड़ा हुआ था। जो हमारा एक्वेरियम है उसके नीचे ये सेट होता है कि नहीं, अगर सेट हो गया तो इसी कटवा के नीचे लगवा लेंगे। इसे हम एक्वेरियम पर रख के चेक कर लेते हैं क्योंकि साथ ले जाए उधर लगे नहीं। तो ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा है, वो इसे सेटिंग करके काट लेगा, जो फालतू है वो साइड पे हो जाएगा और ये हमारा एक्वेरियम के नीचे लग जाएगा। ये देखें इधर से सारा टूटा हुआ एक्वेरियम और पानी इसमें से लीक होता है। फिर हमारी मछलियाँ यार ये ना पानी डाल के जाएं और रात को सुबह आएँ मछलियाँ मरी हो, तो इससे बेहतर है कि इसकी मरम्मत करवा लेते हैं। अभी हम जा रहे हैं बाज़ार, उधर से इसकी मरम्मत करवाते हैं। एक्वेरियम मैंने दुकान पर दे दिया, उन्होंने 15 मिनट का टाइम दिया कि आप आएँ और 15 मिनट बाद अपना एक्वेरियम ले जाएँ। हमारा तैयार हो चुका है, अभी इसे लेके जाते हैं। वो वाला इसके अंदर ही लगा हुआ है, बाकी जो दूसरा था वो इसी के साथ सेट हो चुका है। ये एक्वेरियम हमारा घर पहुंच चुका है, उन्होंने बोला है अभी इसमें पानी नहीं डालना, इसे 24 घंटे यानी एक दिन ऐसे ही रखना है क्योंकि सिलिकॉन ताज़ी ताज़ी लगी हुई है तो वो ख़राब हो जाएगी, फिर ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा, तो हम इसे आज नहीं छेड़ते। तो ये थी आज की हमारी मज़ेदार वीडियो, क्या आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे इस चैनल छोटे शकीन को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। और तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।